हेलो हेलो बच्चों, अब हम जरा क्लॉक के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्लॉक बनाया था, आप लोगों ने सभी ने क्लॉक बनाया था। और ये इसमें क्या है, हैंडमेड क्लॉक बनाया है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आवर्स के हमारे पास इसमें मार्क होते हैं, क्योंकि 12 आवर क्लॉक हमने बनाया है इसमें। और इसमें इसके अंदर में वन को अगर हम खोलेंगे तो हमने इसमें लिखा था 05, दैट मीन्स 5 मिनट्स। और मिनट मशीन अगर इसमें होगी तो क्या होगा, ये मिनट शो करेगा। मिनट की सुई इसमें होगी तो इसका मतलब अगर मिनट की सुई 2 में है, ये दिस इज आर हैंड एंड दिस इज मिनट हैंड। जो छोटी वाली है वो आर हैंड है और बड़ी वाली क्या है, मिनट हैंड है। तो मिनट की हैंड जब हमारे इस पे होगी, जब सपोज 2 पे है, दैट मीन्स वो कितना मिनट होगा, 10 मिनट्स। देखो हमने लिखा था इसमें, और आपको हमने उस समय प्रैक्टिस भी किया था कि जब इसमें इसके बीच में कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। 1 2 3 4 लाइन्स खींची हुई है और दैट मीन्स इसमें 5 पार्ट्स होते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5। दैट मीन्स एक बार यहाँ से यहाँ तक जाने में मिनट की सुई कितना क्रॉस करेगी, 5 मिनट्स क्रॉस करेगी, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स। और यही हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम काउंट करते हैं। तो यहाँ से जब यहाँ तक आ जाएगी मिनट की हैंड, दिस इज मिनट हैंड, जब ये मिनट हैंड आपकी 1 पे होगी दैट मीन्स 5 मिनट्स हो गए। 2 पे होगी तो कितना हो गया, 10 मिनट्स। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 मिनट्स। और इसको हम क्वार्टर पास्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल की तरह है, उसका क्वार्टर पार्ट है, 1/4 पार्ट है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, 1/4 पार्ट है, तो ये क्वार्टर पार्ट है। तो क्वार्टर हमने पास्ट कर लिया मिनट हैंड ने, तो ये क्वार्टर पार्ट। जब मिनट की हैंड 3 पे होगी तो हम उसको बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। और ऐसे ही जब मिनट हैंड 4 में होगी तो कितना हो जाएगा, 5 4 जाए 20, दैट मीन्स 20 मिनट्स हो जाएंगे। ऐसे मिनट हैंड जब 5 में होगी तो 5 5 जाए 25, तो 25 मिनट्स हो जाएंगे। ऐसे ही जब 6 पे होगी तो कितना होगा, 5 6 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, यानी कि 5 6 जा 30 मिनट्स इधर क्रॉस कर लिया, मिनट हैंड ने 30 मिनट्स क्रॉस कर लिया। और पूरी घड़ी का देखो हाफ क्रॉस कर लिया, ये घड़ी यहाँ से स्टार्ट होके पूरे हाफ राउंड लगा लिया है, तो दैट मीन्स इसको हम हाफ पास्ट भी बोलते हैं। दैट मीन्स जब हम हाफ पास्ट बोलते हैं, दैट उस समय मिनट हैंड कहाँ होगी, 6 पे होगी। जब मिनट हैंड 6 पे होगी तो हम इसको हाफ पास्ट बोलते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मैंने हाफ पास्ट लिखा भी हुआ है, इधर क्वार्टर पास्ट, दिस इज हाफ पास्ट। और जब मिनट हैंड यहाँ से इधर आ गई तो कितना हो गया, 5 7 जा 35, तो ये 35 मिनट्स क्रॉस कर लिया है इसने मिनट हैंड ने। जब 8 में होगी तो 5 8 जा 40 मिनट्स क्रॉस कर लिया, और जब 9 पे होगी तो 5 9 जा 45। और इस केस में अब देखो पूरा यहाँ 1 राउंड लगाने में इतना और बचा हुआ है, थोड़ा सा क्वार्टर, 1/4 पार्ट बचा हुआ है, और 1/4 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं, क्वार्टर पार्ट बचा हुआ है। तो दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं जब 9 पे होगी मिनट हैंड तो हम क्वार्टर 2 बोलते हैं, क्वार्टर 2 मतलब क्वार्टर और बचा हुआ है, क्वार्टर और बचा हुआ है, ये दैट मीन्स ये इसका मतलब ये हुआ क्वार्टर 2। आपको ध्यान रखना है हाफ पास्ट में सुई कहाँ, मिनट हैंड कहाँ होगी, 6 पे होगी, क्वार्टर पास्ट में 3 पे होगी, क्वार्टर 2 में 9 पे होगी। और ओ क्लॉक, जब हम ओ क्लॉक बोलते हैं तो ओ क्लॉक में कहाँ होगी, देखो ओ क्लॉक लिखा भी है मैंने इसमें, ये 12 पे होगी ओ क्लॉक। दैट अगर हम देखो इस समय क्या है, आर हैंड इज पॉइंटिंग टू 9 एंड मिनट हैंड पॉइंटिंग टू 12। इस समय हमारा क्या टाइम हो रहा है इस घड़ी के हिसाब से, 9 o'clock। तो इसको हम जस्ट लिखेंगे कैसे, हम वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये अगर हमारा है आर हैंड 9 पे है और मिनट हैंड, और हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप ड्रॉ करोगे आर हैंड छोटी बनाओगे, मिनट हैंड लंबी बनाओगे, दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, अगर दोनों बराबर होंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ध्यान रखिए आर हैंड छोटी, मिनट हैंड बड़ी होनी चाहिए। 9 में है आर हैंड, मिनट हैंड 12 में, तो क्या हो जाएगा, 9 o'clock। और अगर मॉर्निंग का टाइम है तो हम इसको 12 o'clock में हम क्या लिखेंगे, 9, और क्या लिखेंगे, मॉर्निंग है तो ए एम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एन मेरिडियम, जो लैटिन वर्ड है उसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसको हम ए एम से लिखते हैं।
तो मॉर्निंग मतलब बिफोर नून, नून से पहले का टाइम, 12 बजे से पहले का टाइम हम एएम में लिखते हैं। तो इसका मतलब फुल फॉर्म, अगर हम लैटिन वर्ड का इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होता है ये, बिफोर मिड डे, बिफोर मिड डे है ये, और वैसे लैटिन में एन ए मेरिडियम है। तो ये क्या हो जाएगा एएम, 9 AM, ये तो हो गया 12 hour clock। दो तरीके का क्लॉक आपको आपने सीखा था, 12 hour clock, 12 hour clock से हम लिखेंगे टाइम 9 AM, और 24 hour clock में हम अगर लिखना चाहें तो 24 hour clock में भी क्या होगा, ये तो सेम रहेगा क्योंकि 12 बजे से पहले तक का टाइम बिफोर का टाइम आपका सेम रहता है। केवल फर्क ये है 24 hour clock में हम एएम पीएम नहीं लिखते हैं, हम सीधे क्या लिखते हैं, आवर्स लिखते हैं, क्योंकि 24 तक आपका टाइमिंग उसमें लेते काउंट करते हैं, 9 hours 24 hour clock पे हो गया। ऐसे ये 9 o'clock मॉर्निंग पे था, अगर ये 9 o'clock आफ्टरनून की जगह ये क्या होता, अगर नाइट रात के 9 बजे होते, 9 o'clock एट नाइट होता, रात के 9 बजे होते, तो हम क्या लिखते इसमें 12 hour clock में, तो हम यही लिखते 9 और PM, पोस्ट मेरिडियम 9 o'clock, ये क्या हो पोस्ट मेरिडियम, और इसको हम बोलते हैं क्या PM, और इसको आफ्टर मिड डे के बाद का टाइम हो गया। तो ये मतलब दिन में 12 बजे के बाद का टाइम को हम PM लिखते हैं। तो ये 9 o'clock रात के टाइम पे, नाइट रात की नाइट, रात के 9 बज रहे होंगे तब हम 9 PM लिखेंगे 12 o'clock में, और 24 hour clock में हम क्या लिखेंगे, रात के 9 बजे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे 12 प्लस कर देंगे, देखो इसमें हम क्या करेंगे 12 ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 10, 11 और 21, तो आ जाएगा 21 hours। तो ये 9 o'clock रात के 9 बजे होंगे तो 24 hour clock में हम 21 hours लिखेंगे, और 12 hour clock के हिसाब से हम 9 PM लिखेंगे। तो ये दो तरीके आपने सीखे थे, 12 hour clock वाली में कैसे लिखेंगे, 24 hour clock वाले में कैसे लिखेंगे। 12 hour clock में AM PM लिखा जाता है, 24 hour clock में आवर्स लिखा जाता है, ये तो एक हो गया। ऐसे अगर हम क्वार्टर पास्ट अभी कितना है, 8:15 हो गए हैं, 15 minutes पास्ट, इसको हम 15 minutes past 8 भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8:15, और ये 8:15 मॉर्निंग है तो सुबह के है, सुबह में क्या हो जाएगा 8:15 तो टाइम हो गया। ये जो डॉट बने हुए हैं दो, इससे पहले में आर लिखा जाता है, इसके राइट हैंड साइड में मिनट लिखे जाते, तो आर 8:15 हो गए, और ये क्या है मॉर्निंग का टाइम है तो हम लिखेंगे AM, ये हो जाएगा AM, और ये हो गया 12 hour clock वाली घड़ी से। और अगर इसी को हम 24 hour clock में हम कैसे लिखेंगे, 24 hour clock में मॉर्निंग का टाइम जब बिफोर मिड डे है तो हमको 12 ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 12:15, और ये हो जाएगा आवर्स। ऐसे ही 8:15 रात की इवनिंग के, रात के 8:15 बजे हैं, या फिर इसको नाइट भी लिख सकते हैं, तो 8:15 फिर से इसमें क्या हो जाएगा 8:15। अब इवनिंग लंच के बाद का टाइम है तो हम क्या लिख लेंगे पीएम लिखेंगे, ये तो हो गया 12 hour clock मेथड से। और अगर हम 24 hour clock में हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें हम 24 hour clock वाली घड़ी पे हम क्या करते हैं 12 हम ऐड कर देते हैं मिड डे के बाद के टाइम को, मतलब दिन के 12 बजे के बाद का टाइम होगा तो हम 12 प्लस कर देते, हम इसमें 12 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 20:15, और हम एएम पीएम की जगह क्या लिखेंगे आवर्स लिखेंगे, ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। ऐसे अगर हाफ पास्ट आपका है, थर्ड क्वेश्चन हाफ पास्ट, और हाफ पास्ट में सुई कहाँ होती है, मिनट हैंड
सिक्स पे होती है, आपको याद रखना है। हाफ पास्ट में मिनट हैंड कराऊंगी सिक्स में। आपको ड्रॉ करने के लिए भी कहा जा सकता है, क्वेश्चन टेस्ट में आपका ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करिए। हाफ पास्ट में सिक्स में आ जाएगा और हाफ पास्ट टेन या कहो, ठीक है हाफ पास्ट टेन है। अगर देखो आर हैंड टेन के, टेन और इलेवन के बीच में है, तो हम पास्ट लिख रहे हैं तो टेन इससे पहले का टाइम हम बोलेंगे हाफ पास्ट टेन। हाफ पास्ट टेन हो रहा है, दैट मीन्स दस बज के थर्टी मिनट्स हो गए हैं, टेन बज के थर्टी मिनट्स हो गए हैं, तो ये क्या हाफ पास्ट टेन मॉर्निंग का टाइम है। आप क्या लिखेंगे इसको ट्वेल्व आवर क्लॉक में, हाफ पास्ट मीन्स हाउ मेनी मिनट्स, थर्टी मिनट्स। देखो सिक्स में है, फाइव सिक्स जा थर्टी, तो थर्टी हो गया, और टेन है तो टेन आ गया, टेन थर्टी, और ये मॉर्निंग का टाइम है तो क्या हो जाएगा ए एम, ये तो हो गया ट्वेल्व आवर क्लॉक में। ऐसे अगर ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक, ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक में क्या हो जाएगा उसको हम लिखेंगे, तो ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक में क्या हो जाएगा, इसको रात के बज रहे हैं, ये क्या मॉर्निंग के हैं, मॉर्निंग के हैं, तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा टाइम में, तो ये ऐसे ही रहेगा टेन थर्टी ऐसे ही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा ए एम पी एम की जगह में आर्स आ जाएगा। ऐसे हाफ पास्ट टेन इवनिंग, रात इवनिंग क्या करो इसमें हम लिख लेते हैं नाइन्थ। अब रात के क्या बज रहे हैं, हाफ पास्ट टेन बज रहे हैं, या फिर थर्टी मिनट्स पास्ट टेन भी बोलते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा रात के, तो टेन थर्टी पी एम, ये तो हो जाएगा ट्वेल्व आवर क्लॉक मेथड से, ट्वेल्व आवर क्लॉक मेथड से। और ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक मेथड हम यूज करेंगे, दो मेथड से आपने सीखा था टाइम, तो ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक वाले में हम क्या करते हैं, मिड डे के बाद हम ट्वेल्व प्लस करते हैं, तो ट्वेल्व हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी टू थर्टी, और पी ए एम पी एम की जगह क्या आ जाएगा आवर्स हो जाएगा। ऐसे क्वार्टर टू, क्वार्टर टू हम क्वार्टर टू, अब आपको ध्यान रखना, जब भी हम क्वार्टर टू होगा तो मिनट हैंड कहाँ होगी नाइन पे, मिनट हैंड कहाँ होगी नाइन पे, मिनट हैंड लंबी होनी चाहिए, आर हैंड छोटी होनी चाहिए। अब क्वार्टर टू हम ले लेते हैं फाइव, क्वार्टर टू फाइव मतलब होता है कि फाइव बजने में अभी क्वार्टर बाकी है, क्वार्टर टू फाइव मीन्स फाइव बजने में अभी क्वार्टर मिनट्स अभी और बाकी है, दैट मीन्स फाइव अभी नहीं बजे हैं, फोर बज चुके हैं लेकिन अभी फाइव बजने में क्वार्टर बाकी है, क्वार्टर मिनट्स बाकी है, तो इसको हम और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, बज कितना चुका है फोर तो बज चुका है, फोर बजने के बाद कितने मिनट्स पास्ट हो चुके हैं, देखो नाइन जाए तो फाइव वन जा टू जा थ्री जा फोर जा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जा, तो फाइव नाइन जा क्या होता है फोर्टी फाइव, तो फोर्टी फाइव मिनट्स हो चुके हैं, फिफ्टीन मिनट्स अभी और बाकी है, तो जो हम टाइम लिखते हैं जो हो चुका है उसको हम लिखते हैं, तो फोर्टी फाइव मिनट्स हमारे हो चुके हैं और फोर बज चुके हैं, फाइव अभी नहीं बजा है, तो जो बज चुका है वो दैट मीन्स फोर बज चुके हैं और फोर्टी फाइव मिनट्स पास्ट हो चुका है, तो हम जब भी टाइम लिखेंगे जो हो चुका है उसको लिखेंगे, जो बाद में होने वाला है, यहाँ पर आप फाइव नहीं लिखोगे, यहाँ तो आप लिख रहे हो क्वार्टर टू फाइव, क्वार्टर टू फाइव लिख रहे हो ठीक है, लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम इसमें फाइव नहीं लिखेंगे, इसमें हम वही लिखेंगे टाइम जो हो चुका है, दैट मीन्स फाइव अभी नहीं बजे हैं बाकी है, हम फोर बज चुके हैं तो फोर लिखेंगे, और कितने मिनट्स हो चुके हैं फोर्टी फाइव, नाइन में पहुंच गया दैट मीन्स फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव मिनट्स हो चुके हैं, तो फोर फोर्टी फाइव लिखेंगे, और ये क्या है टाइम मॉर्निंग का, तो हम लिख लेंगे इसमें ए एम, और ये तो हो गया मेथड ट्वेल्व आवर क्लॉक, ट्वेल्व आवर क्लॉक मेथड, और ऐसी ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक मेथड में क्या हो जाएगा सेम रहेगा, बिफोर बिफोर मिड डे है, बारह बजे से पहले का टाइम है, तो टाइम सेम रहेगा, और लेकिन इसमें क्या लिख लेंगे हम आर्स, ए एम पी एम की जगह हम आर्स लिख लेंगे, फोर फोर्टी फाइव हम सेम रहेगा, ये तो हो गया ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक मेथड से। ऐसे ही अगर हमारा क्वार्टर टू फाइव एट नाइट की जगह हम लिख लेंगे, अब फाइव है तो इवनिंग होगा, रात तो होगी नहीं, क्वार्टर टू फाइव इवनिंग, अगर अगर ये तो सुबह का टाइम हो गया, सुबह इतने बजे होंगे तो ऐसे शो करेंगे, जब लेकिन शाम का होगा टाइम,
शाम को इवनिंग पे 4:45 है, 4:45 है, तब हम कैसे शो करेंगे? इवनिंग का टाइम 4:45, ये तो सेम रहेगा। अब एएम की जगह में क्या आ जाएगा? पीएम, 12 बजे के बाद का टाइम, लंच के बाद का टाइम, इवनिंग और नाइट में पीएम आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, तीनों में आपका क्या आ जाएगा? पीएम आएगा। तो ये 12 बजे के बाद ये शाम के शाम का टाइम है, पीएम आ गया, और इस ये हो गया 12 आवर क्लॉक मेथड हो गया। और ऐसे इसी को अब अगर हम 24 आवर क्लॉक में क्या आ जाएगा? 24 आवर क्लॉक में क्या आ जाएगा? हमने बताया 12 बजे के बाद हम क्या करते हैं, 12 उसमें प्लस कर देते हैं, क्योंकि 24 आवर क्लॉक में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजते हैं, उसके बाद 13, 14, 15, 16 ऐसे होते हैं टाइम, 24 तक हो जाते हैं पूरा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 23, उसके बाद 0। तो ये आ जाएगा कितना, 24 आवर क्लॉक में कितना आ जाएगा, शाम के इतने बजे हैं तो इसमें 12 प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16:45। मिनट्स का सेम रहेगा, केवल आर में चेंज आएगा, तो मिनट्स का कितना होगा, 12 प्लस 4 16, और इसमें आ जाएगा एम पी एम की जगह में आर्स। तो ये टाइम का आप प्रैक्टिस जरूर करिए, आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको हाफ पास, क्वार्टर पास, या इस पे वो क्या कहते हैं, क्वार्टर टू का पूछे, या फिर आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, या फिर इतने मिनट्स पास 15 मिनट्स पास 3, या फिर 25 मिनट्स पास 2, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस करनी है।